रेशोज में क्या होते हैं लाइक ए वन बी वन सी वन एंड अगर मैं दूसरी लाइन के डायरेक्शन ले रेशोज uh, ले लू ए टू बी टू सी टू ये हमारे पास लाइन वन है ये हमारे पास लाइन टू है तो इफ टू लाइन आर पैरल देन देर रेशो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशोज विल बी सेम ठीक है तो अब हमें डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली फाइंड करने हैं क्योंकि मुझे दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम इन पॉइंट्स को पहले कोई नेम दे, दे देते हैं लाइक like मैंने इसको लिख दिया है ए पॉइंट इज फोर सेवन एट एंड बी पॉइंट टू थ्री फोर सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होंगे हम माइनस कर देंगे टू माइनस फोर थ्री माइनस सेवन फोर माइनस एट सो इट बिकम्स माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर ठीक है सिमिलरली हम पॉइंट लिखेंगे सी पॉइंट नाउ सी पॉइंट इज ऑल्सो नोट डाउन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन नाउ द पॉइंट सी इज माइनस वन माइनस टू वन एंड द डी पॉइंट इज वन टू फाइव तो मैं यहां पर डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी विल बी विल बी हम कैसे निकालेंगे माइनस करके वन प्लस वन टू प्लस टू एंड फाइव माइनस वन सो इट्स आंसर इज टू फोर फोर तो बेटा एग्जैक्टली exactly, देखो हमें सेम ही मिल रहा है क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन कॉमन है तो अगर मैं इनकी रेशियोज निकालती हूँ देखो हमने इसको लिख लिया ए वन बी वन सी वन और इसको हमने लिख लिया ए टू बी टू एंड सी टू तो अगर मैं इसकी रेशियो फाइन करूंगी तो आप देखना कि सेम आएगी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू तो देखो यहाँ पर रेशियो कितनी आ गई हमारे पास माइनस टू अपॉइन टू माइनस फोर अपॉन फोर एंड माइनस फोर अपॉन फोर तो आप देखेंगे कि सारी रेशो सेम आ रही है तो मीन अजर्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है अजर्शन इज करेक्ट ठीक है तो इसमें अजर्शन करेक्ट है तो अब हम रीजन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर रीजन हमें दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन वन तो ये इक्वेशन लाइन वन की है विच इज द वेक्टर फॉर्म एंड आर अनदर इक्वेशन है लाइन टू की तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरल होंगी तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी नो डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होती है डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होती है वेन लाइंस आर वेन एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू तो इसका आंसर हम क्या देंगे अजर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स

तो एंगल के फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन रेशियोज देखो इस लाइन के हैं हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉइन ए वाई माइनस वाई वन अपॉइन बी जेड माइनस जेड वन अपॉइन सी तो डायरेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे जो डायरेक्शन रेशोस आएंगे दैट विल बी दिस इज ए वन दिस इज ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ठीक है तो हम डायरेक्शन रेशियोज लिख, लिख लेते हैं इस लाइन के तो आप देख लीजिए लिखना कैसे है सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन दीज आर ए माइनस फाइव बी बीटा और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस इज एक्चुअल अल्फा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन टू आर वन जीरो जीरो तो अगर हमने एंगल देखना है हमारा एंगल है पाई बाय फोर तो मैं यहाँ पे पहले एंगल का फॉर्मूला लिखूंगी फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंगल के लिए हम हमेशा एंगल किसमें तो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ थीटा तो थीटा का फॉर्मुला हमने लिख दिया और थीटा हमारे पास कितना है पाई बाय फोर ए वन ए टू हम करेंगे अल्फा इंटू वन प्लस माइनस फाइव इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू वन अपॉन यू विल गेट अल्फा स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बीटा स्केयर एंड वन स्केयर प्लस जीरो स्केयर प्लस वन स्केयर ठीक है तो कॉज फोर्टी फाइव इज डेट इज वन बाइ रूट टू और ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बीटा स्केयर और इधर हमारे पास आ जाएगा रूट टू तो लकीली रूट टू रूट टू विल बी कैंसल्ड आउट तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा अल्फा बीटा का हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो अब देखिए कि हमने ये लिख दिया है रिलेशन जो भी बन रहा है तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड बोथ साइड करके आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बीटा स्केयर और इधर भी आप स्क्वेरिंग करेंगे स्क्वांग करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे अल्फा स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बीटा स्क्यर इक्वल्स टू alpha square plus beta square plus 2 alpha beta and it will be cancelled out. So 2 alpha beta equals to 25. So this is your answer of question number 79. So students question number 80 is find the value of b so that lines x minus 1 upon 2 equals to y minus b upon 3 equals to z minus v upon 4 and the another line x minus 4 upon 5 कुछ भी नहीं है तो हम वन लिख लेंगे लाइंस आर विच लाइंस वी वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस में बेटा हमने टेंथ में भी पढ़ी थी यूनिक सोल्यूशन होता है हमारे पास एक वन एंड ओनली वन पॉइंट विल बी द कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट विल बी दमन ठीक है ग्रीन कलर पॉइंट अब हमारा टारगेट ये है कि हमें कुछ कांस्टेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे आप देख रहे हो कि बी की वैल्यू हमने निकालनी है और प्लस हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है तो सबसे पहले मैं जैसे इसको लिख लेती हूँ लाइन वन और इसको मैं लिख लेती हूँ लाइन टू ठीक है और हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दोबारा जब लिखेंगे तो हम उसको डिनोट कर देंगे लाइन वन और लाइन टू से ठीक है तो फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है तो आप लिखेंगे लेट लेट एनी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 ठीक है एनी पॉइंट ऑफ लाइन 1 का मतलब क्या है आप अपनी लाइन 1 को लिख लीजिए यहाँ पर x क्योंकि मुझे पॉइंट निकालना है ना बेटा ये क्वेश्चन मेरा पॉइंट का है तो मुझे लाइन पर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा और वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट लाइन की और उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे अल्फा के तो जब हम इसको एनी पॉइंट निकालेंगे लाइन का तो पॉइंट विल बी कौन सा पॉइंट आएगा 2 अल्फा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक है टू अल्फा प्लस वन सेकेंड क्या आएगा थ्री अल्फा प्लस बी एंड थर्ड पॉइंट इज फोर अल्फा प्लस थ्री राइट सिमिलरली मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट सेकेंड लाइन को लिखूंगी तो सेकेंड लाइन को लिखने के बाद अब सेकेंड लाइन हमारी क्या है uh, जो भी हमारी लाइन है हम लिखेंगे लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन टू अब लाइन टू कौन सी है लाइन टू है एक्स माइनस फोर अपॉइंट फाइव वाई माइनस वन टू एक्स जेड अपॉन वन इसको हम ले लेंगे बीटा तो एनी पॉइंट ऑन लाइन टू क्या हो जाएगा फोर फाइव बीटा प्लस फोर कॉमा टू बीटा प्लस वन कॉमा एंड बीटा ठीक है तो ये देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए बट बेटा जैसे कि मैंने फिगर भी ड्रॉ की है ये दोनों पॉइंट्स क्या है कॉमन है क्योंकि एनी पॉइंट ऑन लाइन क्योंकि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिकॉज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम इनके पॉइंट्स को कंपेयर कर देंगे ठीक है बिकॉज सिंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन x के इक्वल होगा मतलब जो हमारे पास ये x को रिप्रेजेंट करता है y को रिप्रेजेंट करता है और ये z को रिप्रेजेंट करता है सिमिलरली यहां पर भी ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है y को रिप्रेजेंट कर रहा है z को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो x x के इक्वल होगा ऐसे ही हम लिखेंगे वाई वाई के इक्वल होगा फाइव बीटा प्लस फोर इक्वल होगा सॉरी uh, फाइव बीटा प्लस फोर नहीं आएगा <coughs> यहां पर आएगा थ्री अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू टू बीटा प्लस वन एंड द फोर्थ पॉइंट इज फोर अल्फा प्लस थ्री इक्वल्स टू बीटा ठीक है तो अब मुझे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और थर्ड में उसको सेटिस्फाई करवाना है क्योंकि लाइन हमें इंटरसेक्टिंग दी हुई है तो सेटिस्फाई करवाने का कोई लॉजिक नहीं है सेटिस्फाई करेगा मैं बेटा ये दो इक्वेशन ले रही हूँ दोनों इक्वेशन में मैंने एलिमिनेशन मैथड लगाना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी एलिमिनेशन मैथड हम लगाएंगे राइट right, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे एंड स्टूडेंट्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सो मैजिकली हमारे पास वैल्यू आ गई नॉट मैजिकली आफ्टर सोलविंग एलिमिनेशन तो स्टूडेंट्स ये देखो बेटा उसने बोला है कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो so मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है तो थर्ड में हम पुट करते हैं क्योंकि मुझे बी की वैल्यू चाहिए अब देखो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है मैं यहाँ पर दोबारा से लिखती हूँ थर्ड इक्वेशन है थ्री अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा 1 तो हम इसमें अल्फा और बीटा को पुट कर देंगे -1 तो ये आ जाएगा -3 b यहाँ पर आ जाएगा -2 1 तो आ, ये आ जाएगा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई क्योंकि तो b होगा तो पॉइंट निकलेगा ना b की वैल्यू आ गई 2 राइट तो अब हमें कॉमन पॉइंट निकालना है तो हम कॉमन पॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे तो देखिए आपका पॉइंट कौन सा था आप यही वाला पॉइंट उठा लो आपका पॉइंट था टू अल्फा प्लस वन अब पॉइंट था आपका टू अल्फा प्लस वन ये एक्स था आपके पास वाई क्या था थ्री अल्फा प्लस बी और जेड क्या था फोर अल्फा प्लस थ्री आप इसमें अल्फा को पुट कर दो माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन पुट करो अल्फा को और बी को टू पुट करो माइनस वन बट पुट करोगे माइनस थ्री प्लस बी माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन यहाँ पे भी पुट कर दो अगेन इट इज माइनस वन सो योर पॉइंट इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन सो दैट्स योर आंसर राइट तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर एटी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई है इसलिए थर्ड में हमने सेटिस्फाई किया था यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखने वाला है थर्ड में हमने इसलिए पुट किया था ताकि हमें बी की वैल्यू मिल जाए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एटी वन